No end to all the anti-Sanatan rant. BJP has fired back salvos at the opposition bloc for attacking Sanatan Dharma. Madhya Pradesh Chief Minister, while speaking to India Today, Shivraj Singh Chauhan has asserted that the opposition bloc's only agenda here is to eradicate Sanatan Dharma. He further highlighted how since ancient times Sanatan Dharma has been under attack, nobody could destroy it. Accusing the alliance partners over the Sanatan Dharma attacks, BJP has questioned silence of the Congress biggies. Opposition bloc, however, has been distancing itself from the statements made by DMK ministers, terming it their own and not the alliance's stance. Meanwhile, a Madras High Court lawyer has moved the top court, asking for restraint to be put on Udayanidhi Stalin and A. Raja and a few others from making such further insightful hate speeches. Shivraj ji, ye jo Sanatan ko lekar ek behas chhid gayi, pehle to main aapse samajhna chahti hu ki aapke anusar Sanatan kya hai? Jiska na aadi hai, na ant hai, jo pehle bhi tha, aaj bhi hai aur kal bhi rahega. वो है सनातन. और आप देखिए, सक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, वर्षों तक मुगलों ने भी राज किया लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं कर पाए. वो सनातन है क्या? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सनातन है. सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं, इसलिए सबका आदर करो. आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा सबको मानो. सिया राम में सब जग जानी, ये सनातन है. सत्यमेव जयते सनातन है, जियो और जीने दो सनातन है. धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराइयां समाप्त हो. और प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं प्राणियों में भी सद्भावना हो, ये सनातन है. और केवल अपना नहीं विश्व का कल्याण हो, ये सनातन है. अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम. ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है. जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये सनातन है. सर्वे भवन्तु सुखना सनातन है, सर्वे संतु निरामया सनातन है, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु सनातन है, माँ कश्चित दुख भाग भवेत सनातन है. सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये सनातन है. इस सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता. लेकिन मैडम सोनिया गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारा इंडी गठबंधन सनातन पे हमले कर रहा है, सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, आपका इस पे क्या कहना है? क्या आप सनातन के विरोधी हो? क्या आप सनातन को समाप्त करोगे? या फिर वो जिन्होंने सनातन को समाप्त करने की डेंगू और मलेरिया जैसी तुलना करें? शर्म आनी चाहिए इस गठबंधन को और मैडम सोनिया गांधी को भी. आज तक चुप बैठे हैं. कौन सनातन समाप्त कर सकता है हिंदुस्तान की धरती से? कई आए और चले गए. ये सनातन सदैव था, है और हमेशा रहेगा. और एक बात और मैं आज तक किस मन से कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो केवल सनातन कराएगा. सनातन, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता. यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमजोर कर सकता है. ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है. पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना. तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना. अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा. ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं. और जो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है. इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है. सनातन धर्म न
नष्ट होना चाहिए। कोई करे कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है, मैं कहता हूँ जितना हम निंदा करें वो कम होगा। और आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में जनता यहाँ बैठी हुई है, इस वाक्य का जवाब जो घमंडिया गठबंधन है 28 दलों का, कांग्रेस जवाब दे। एक तरफ तो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरे तरफ सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ये दोगली नीति नहीं चलेगी। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है ये दुखद है, और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया। तुम समाप्त हो जाओगे लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा।